need no introduction because they know Brittany Mo. I hit the lot on my mind. Hey guys, welcome back to Import Motorworks. दोस्तों मैं संकल्प और स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज Import Motorworks में है Land Rover Freelander 2। Land Rover यानी कि दोस्तों ऑफ रोडिंग का माफिया मास्टर। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर ऑफ रोडिंग वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर दोस्तों दिक्कत है कि जो समय चल रहा है गर्मियों वाला, यानी कि AC की, इस गाड़ी का जो AC है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। उसको जो कूलिंग देना चाहिए एग्जैक्टली वो कूलिंग नहीं दे रहा है। तो दोस्तों वो कूलिंग क्यों नहीं दे रहा है, इसका जो AC कंप्रेसर है दोस्तों वो एक मेजर पार्ट होता है इंजन के अंदर, तो वो फॉल्टी है, वो खराब हो चुका है। उसमें दोस्तों फॉल्ट ये है कि वो कूलिंग कभी कभी देता है, अच्छी कूलिंग देता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, 70-18 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग निकालता है। उसके बाद में फिर वो बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों इसका जो AC कंप्रेसर है वो फॉल्टी है। तो किस तरह से पता लगाया अपन ने कि AC कंप्रेसर में मतलब डाउट गया, वो सारी चीज़ें, किस तरह से AC कंप्रेसर को दोस्तों डिसमेंटल करते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर निकालने के बाद नया AC कंप्रेसर जब फिट करते हैं तो किस तरह से गैस रिचार्ज करते हैं और उसके अंदर ऑयल को रिचार्ज करते हैं, किस तरह से इसका जो AC है वो प्रॉपर करते हैं, ऐसा गाड़ी के साथ में आता है कंपनी से। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों जानने के लिए प्लीज़ बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 के ओनर हैं, या ओनर नहीं या मैकेनिक हैं, या प्लान कर रहे हैं कोई भी लग्जरी गाड़ी लेने का, तो आपको दोस्तों वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंदर, थैंक यू। तो सबसे पहले दोस्तों अपन आ जाते हैं अपनी गाड़ी के पास में। ये है अपनी लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2। बहुत अच्छी गाड़ी है दोस्तों ऑफ रोडिंग के लिए, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो इसका दोस्तों बोल गया AC कंप्रेसर, मतलब AC अच्छा काम नहीं कर रहा गाड़ी का, और गर्मियों में तो दोस्तों AC चाहिए ही। तो उसके लिए दोस्तों AC कंप्रेसर को डिसमेंटलिंग करने के लिए अपने को क्या है कि जो इंजन का नीचे का हिस्सा है ना, मतलब वो इंजन सील्ड होती है, उसको रिमूव करना होता है। तो ये जो गार्ड है ना दोस्तों, मर्सिडीज़ की तरह ही इसमें मेटल की आती है, लोहे की आती है, बहुत मतलब ऑफ रोडिंग वाली अगर बात वर्ड यहाँ यूज़ हो गया दोस्तों, तो क्या है कि वो सेफ्टी नीचे से होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी हिल्स पर भी जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि अपना जो सील्ड है इंजन का वो रिमूव हो चुका है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको नीचे दिखाएंगे कि जो इसका AC कंप्रेसर का लोकेशन है वो कहाँ से है, कैसा दिखता है AC कंप्रेसर, किस तरह से कसा हुआ है, कितने बोल्टों पर कसा हुआ है, क्या स्ट्रट्स हैं, कितने नंबर के स्ट्रट्स हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें भी अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको एक बार AC कंप्रेसर को दिखा देता हूँ पास से। तो उसके लिए दोस्तों एक बार पहले अपन गाड़ी में जैकिंग लगा करके टोइंग नीचे लिफ्टर लगा देते हैं। तो अभी गाड़ी को उठा लिया है अपन ने ऊपर, तो नीचे आके देखते हैं इसका AC कंप्रेसर का लोकेशन कहाँ है। उसका ऑयल सम काफ़ी ज़्यादा लीकेजिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सीलन इधर आई हुई है। तो ये है दोस्तों इसका AC कंप्रेसर, ये आप देख पा रहे हैं उंगली रखी हुई है, ये है इसका AC कंप्रेसर जो कि है बेल्ट से कनेक्टेड और यहाँ बोल्टों से कसा हुआ है। तो उसको पहले रिमूव करते हैं, जो बोल्टों से दोस्तों उसको रिमूव कर लिया है वो मैं आपको फिटिंग का वीडियो पूरा दिखा दूंगा आगे। तो ये AC कंप्रेसर दोस्तों इसका कुछ देखने में ऐसा है, दो पाइप्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एक सॉकेट आपको देखने को मिलेगा, दो पाइप्स दोस्तों इसके अंदर हैं, एक हाई प्रेशर का पाइप है, एक लो प्रेशर का पाइप है, और एक ये सॉकेट है। तो फिटिंग का वीडियो मैं इसका आपको आगे दिखा दूंगा कि किस तरह से फिट करते हैं। दो पिन का ये एक सॉकेट है, और ये क्लच वाला इसका AC कंप्रेसर बाहर आ चुका है, और ये अपने पास में दोस्तों नया AC कंप्रेसर भी आ चुका है। तो एकदम डिटो सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं है कहीं भी। तो इसको फिटिंग करते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर, इसको लोकेशन पर रख दिया है। एक बार नीचे से देखते हैं इसको, ये है दोस्तों इसका AC कंप्रेसर जो कि 3 बोल्टों से कसा हुआ है, कसा जाएगा इसको। तो ऑयल चैम्बर के जस्ट सामने ही ये आएगा, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि रेडिएटर के सामने की तरफ से, आप इसका लोकेशन अच्छे समझ लीजिए, राइट साइड में ये फिटिंग होता है। माउंट के ऊपर एक ब्रैकेट लगी हुई है जो कि ब्लॉक में कसी आती है, उसके साथ में 3 बोल्टों से कसा जाएगा। तो इसको ऐसे सिंपल ही रख देना है और 3 बोल्टों से इसको अपन कस लेते हैं। खोलने के लिए दोस्तों उन बोल्टों को एंटी क्लॉकिंग वाइज आपको खोलना है, फिटिंग करने के लिए दोस्तों आपको क्लॉकिंग वाइज रोटेट करके सारे बोल्ट कसने हैं। लोहे की कुछ दो भोगलियाँ इसके अंदर होती हैं लोकेशन पे एकदम एग्जैक्टली बिठाने के लिए ब्रैकेट के अंदर।
तो मेक श्योर दोस्तों कि जब भी आप इस एसी को बुजों को फिट कर रहे हैं तो जो सेफ्टी कैप्स प्लास्टिक के या बोल सकते हैं कि डस्ट कैप जो इसके साथ में आए हैं लगे हुए, वो आप ना निकालें। वो जब ही आप निकालें जब इसके साथ में आप पाइप कनेक्ट करने वाले हैं एसी के एल्यूमिनियम वाले, क्योंकि आप कसेंगे और ज़रा सा भी अगर कचरा जाएगा इसके अंदर दोस्तों वो घातक है। इसके लिए साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है एसी वाले काम के अंदर। ये बोल्ट अपन ने डाल दिया है और ये क्लॉकिंग वाइज इस एक बोल्ट को अपन रोटेट कर रहे हैं। एक दो थ्रेडिंग आते ही ये फिट हो जाएगा और उसके बाद में सारे इसके जो दो बोल्ट्स बचते हैं उन दोनों को भी अपन फिट कर देंगे इसके अंदर। तो लंबे लंबे बोल्ट हैं इसके, तीनों बोल्टों का साइज़ दोस्तों एक जैसे ही है। कसना कैसे है, आगे टाइट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें भी अपन देखेंगे इसके अंदर। और एसी कंप्रेसर दोस्तों मैक्सिमम केसेस के अंदर एल्यूमिनियम की बॉडी के ही होते हैं, ये आप बोल्ट देख पा रहे हैं इसके। क्लॉकिंग वाइज रोटेट करके कसने होते हैं इसके दोस्तों तीनों बोल्ट। एक ये तीसरा बोल्ट जो लास्ट बोल्ट है इसका, उसको डालना है ऊपर। तो ऊपर सिर्फ एक बोल्ट है, नीचे दो बोल्ट लगते हैं। तो प्रॉपरली दोस्तों अभी अपन ने जो बोल्ट डालने हैं तीनों, तो वो तीनों बोल्ट्स में दोस्तों अच्छे से थ्रेडिंग पकड़ ली है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने नंबर का सॉकेट यूज़ हो रहा है। तो उसके अंदर दोस्तों हम यूज़ करने वाले हैं 10 mm का सॉकेट, 10 नंबर की गोटी जैसे अपन बोलते हैं उसकी मदद से इसको लॉकिंग वाइज कसेंगे। और ये कस चुका है दोस्तों इसका अपना एसी कंप्रेसर, उसके बाद में इसके दो पाइप से वो जैसे आने थे वैसे उसी जगह पर कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो आप एसी कंप्रेसर को देख लीजिए। देन उसके बाद में इसके अंदर दोस्तों बेल्ट भी चढ़ा दिया है, तो बेल्ट से कनेक्टेड भी ये हो चुका है। तो ये बेल्ट से कनेक्टेड भी हो चुका है दोस्तों उसका एसी कंप्रेसर। अभी जो अपना नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों वो है कि इसके अंदर जो एयर का प्रेशर है, हवा का प्रेशर है, वो डाला जाएगा। वो आप जानते ही हैं कि लीकेज के लिए डाला जाता है। तो उसके लिए अपन इसके लो प्रेशर वाले होल्डर से इसको कनेक्टेड करेंगे एसी कंप्रेसर को। तो आप देख लीजिए इसकी लोकेशन है ब्रेक ऑयल की, जो ब्रेक फ्लूइड की जो बॉटल है उसके जस्ट पास में ही। और ये है दोस्तों अपना एसी कंप्रेसर देसी जुगाड़, इससे अपन डालेंगे। इसके अंदर दोस्तों अभी हम डालेंगे हवा का प्रेशर 300 PSI के आसपास पर स्क्वायर इंच। तो 300 PSI दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा प्रेशर होता है। तो ये वाला पाइप है जो सक कर रहा है मेरी उंगली को अंदर की तरफ, और दूसरे वाले पाइप में पाइप कनेक्टेड है ब्लैक वाला, वो बाहर की तरफ हवा को फ्लो दे रहा है। ये इधर दे रहा है और ये अंदर ले रहा है। तो अभी वो अंदर ले रहा है हवा दूसरा वाला, और इससे अंदर हवा जा रही है बाल को प्रेस करते हुए। मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ, और ये मीटर ये लाल वाली सुई जो है ये उठ रही है ऊपर। तो इसको अपन 300 PSI तक लेकर जाएंगे, और ये कनेक्टेड है यहाँ। इसके अंदर अभी सिर्फ हवा जा रही है जो हम और आप बाहर ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। तो इसको 300 PSI तक कम्प्लीटली हो जाने देंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा वो। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसको प्रेशर डालने के बाद में हम कुछ समय के लिए गाड़ी को छोड़ेंगे, लगभग आधे से एक घंटे के बीच में कोई भी अगर लीकेजिंग होती है। तो आप देख पा रहे हैं 300 PSI तक कांटा रुक चुका है। कोई भी लीकेजिंग अगर होगी दोस्तों तो ये कांटा नीचे आएगा, ये गेज जो है ये नीचे आएगा, यानी कि सुई नीचे आएगी। अगर कोई भी लीकेजिंग नहीं है तो हमें ओके हो जाएंगे कि हाँ इसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं है, श्योरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों हमने इसका सारा प्रेशर निकाल दिया है, घंटे के बाद हम गाड़ी के पास वापस आए। अभी हमने जो इसके अंदर हवा का प्रेशर डाला उसको हम बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालेंगे, वो सिंपली बाल को प्रेस करेंगे वॉल्व को और उसे बाहर निकालेंगे। बट जो थोड़ी थोड़ी हवा उसके अंदर सक रह गई है उसको हम सक करके बाहर निकालेंगे। तो सकिंग के लिए दोस्तों क्या करना होगा, अपने को जो कंप्रेसर है ना अपना जो सक कर रहा है अपनी तरफ जो हवा को, उसमें कनेक्ट करेंगे इसको। यानी कि जो पाइप था कंप्रेसर हमारा वाला जो कंप्रेसर था उसमें जॉइंट करेंगे, जो पाइप बाहर फ्लो दे रहा था उसमें नहीं, जो सक कर रहा है उसमें लगाएंगे और टाइट करेंगे, और यहाँ यहाँ से बाहर हवा आएगी। ये सुई एकदम जो इसकी गेज है बिल्कुल 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 इस लास्ट पॉइंट तक टच हो जाना चाहिए। देन वो भी दोस्तों प्रोसेस हो चुका है, और अभी अपन इसके अंदर ऑयल डालने वाले हैं एसी गैस वाला। तो उसके लिए आप जो मीटर गेज है
इसके वॉल्व को लूज़ करेंगे और यहाँ से आप देख पा रहेंगे कि ये जितना भी ऑयल है यहाँ से इसने सक कर लिया अंदर के लिए और सारा का सारा ऑयल इसी कंप्रेसर के अंदर जा चुका है। ये देखिए आप गेज ऊपर उठेगा तो कंप्रेसर खोला दोस्तों, उसके अंदर ऑयल की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी अपने को। तो उसके बाद में दोस्तों कंप्रेसर कर चुका है, एसी गैस फिल हो चुकी है। एसी गैस का प्रोसेस क्या होता है फिल करने का वो मैंने आपको वीडियो में देख डाला हुआ है, आप दूसरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो अभी अपन चेक करेंगे अपने स्पेशल टूल की मदद से कि अभी का टेम्परेचर है बाहर 43.43 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों काफ़ी होता है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। जब तो गाड़ी के अंदर गर्मी है दोस्तों, बाहर बहुत गर्मी है। तो अभी देखते हैं कि अपना परफॉर्मेंस क्या निकलती है। ये तो लगाती 38 हो गया और देखते हैं कि क्या लास्ट टू लास्ट टेम्परेचर रहेगा अपनी गाड़ी का। तो ये कम होता जा रहा है बराबरी, तो 15 भी ज़्यादा है, 14 भी ज़्यादा है अभी, मतलब जो होना चाहिए। तो लास्ट दोस्तों इस गाड़ी ने टेम्परेचर निकाला था 6.58 डिग्री सेल्सियस ने टेम्परेचर निकाला था। बट अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसने जब ये गाड़ी गई थी उस वक्त इसने रात के टाइम पर निकाला था, तो दोस्तों दोपहर के टाइम तक इस गाड़ी का लास्ट टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं कि 10.3 डिग्री सेल्सियस तक था। बट दोस्तों जब अपने इस गाड़ी को डिलीवर किया तो उस टाइम पर लास्ट जब रात के 7:30-8 के टाइम पर जब उसको नापा गया दोबारा से, तो उस वक्त दोस्तों इस गाड़ी ने टेम्परेचर निकाला था 6.5 और 7 के बीच में। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं काफ़ी अच्छा टेम्परेचर, अपने जो भी एसीज़ किए हैं गाड़ियों के उन सब में यही टेम्परेचर आया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा आपको, और कोई भी कहीं भी कोई कमी लगी है तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।